बतकम्म पर्व जो विशेषकर तेलंगाना में लड़कियां और महिलाएं खेलती है। उसी प्रकार भारत में भी विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार के लोग नृत्य खेले जाती है। अपने मंचरियाल में गुजराती मारवाड़ी समाज द्वारा नवरात्रि गरबा नृत्य बहुत ही मनमोहन धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें बच्चे, बड़े महिलाएं, पुरुष सभी मिलकर करते हैं। संगीत की ताल पर उनके कदम धीरकने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद योगा ट्रस्ट गुजराती और मारवाड़ी समाज का इस गरबा उत्सव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जय माता जी। ये गुजराती समाज ये बंसीवाल के अंदर गोदारी कानी, रामगुंडम और बेलमपल्ली ये सब जाते हैं। ये बंसीवाल में जो गुजराती समाज का जो नवरात्रि स्टार्ट हुआ है 1954 से स्टार्ट हुआ है, आज 67 ईयर कंप्लीट हुआ है। ये माता जी की कृपा से आज तक भी एक साल भी कोई गैप नहीं गया है। ये माता जी की मेहरबानी है जो हम ये नवरात्रि उत्सव कर रहे हैं। इसमें भंडारा रहता है, बच्चों का सब खेल कूद सब रहता है, वो सब माता जी कृपा से हो रहा है। जय माता की। यह प्रोग्राम नवरात्रि का वर्षों से चला आ रहा है और यह वर्ष हर साल इसी तरह भक्ति भाव से पूर्ण किया जाता है। इसमें हम गरबा की स्थापना करते हैं, देवी की प्रतिमा अथवा फोटो का विग्रह यहाँ पर स्थापित किया जाता है और उसके निमित्त सब धूमधाम से माँ को रिझाने के लिए रास गरबा खेलने प्रतिदिन 9 दिन तक धूमधाम से हम यहाँ पर खेलने आते हैं। इस तरह भक्ति भाव से हम यह त्यौहार सभी मिलकर पूर्ण करते हैं। जय समाज। हिंदू समाज में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि वर्ष में 2 मरतबे आती है, एक चैत की नवरात्रि जो रामनवमी के दिन समाप्त होती है और ये नवरात्रि दशहरे के दिन समाप्त होती है। इस नवरात्रि का महत्व एक अलग है, चैत की नवरात्रि का महत्व भी एक अलग है। नवरात्रि जो अभी ये नवरात्रि है इसको मूर्ति पूजा के रूप में भी मनाते हैं। प्राय कर नॉर्थ इंडिया में जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, उत्तर प्रदेश है, बिहार का है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, वहाँ पर मूर्ति पूजा के रूप में जिस तरह यहाँ पर गणेश जी का मूर्ति पूजा होती है उस तरह ही वहाँ पर भी इस नवरात्रि को मूर्ति पूजा के रूप में मनाते हैं। और ख़ास करके गुजराती समाज जो है इसको गरबा के रूप में, इस गरबा को पूरे विश्व में अपने अलग पहचान मिली है। उसी तरह तेलंगाना में भी अपने पास बतकमा जो पंडुगु मनाते हैं ये भी एक नवरात्रि का ही अंग है कि माता जी को 9 दिन तक ये लोग हंसी खुशी खेल कर और माता जी अपने घर में सदैव प्रसन्न रहे, इसी तरह ये लोग साल भर तक ये कार्यक्रम की तैयारी ये लोग करते हैं। और साल में जब ये नवरात्रि का त्यौहार आता है तो एक तरह से बड़ा उत्सव का माहौल बन जाता है। मंचरियाल में जो नवरात्रि है ये 80 साल से यही गुजराती भाई अपने कुलदेवी को यहाँ पर लाकर स्थापित कर हर साल गरबा के रूप में यहाँ मनाते हैं। परंतु पिछले 5-10 सालों से इस गुजराती भाइयों के साथ में दूसरे समाज, राजस्थानी समाज, नॉर्थ इंडियन वाले और यहाँ पर जो लोकल वाले हैं तेलुगु भाई बहन, ये लोग भी इसी नवरात्रि को इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर गरबा का जो आयोजन ये करते हैं उसके साथ में खेल को जो नाच होता है गरबा का उसमें ये लोग भी बड़ी ज़ोर शोर से भाग लेते हैं। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं माता जी कि आप सारे विश्व को सुख शांति प्रदान करें। धन्यवाद। దసరా వచ్చిందంటే తెలంగాణలో
केवल बतकम्म अटारो का अटू इटू नाम रूप तेड़ तो यह पंडग यावत् भारत देश गर्भ दांडिया तीज ओनम अट्लतद्दी कोलाटम गोब्बेम्म तदितर रूपाल्लो उंटुंदी पंडग प्रस्तुतम वीडियो चूस्तुन्ना महिला मनुलु पुरुष महाशैलु गुजरात मार्वडी समाज मंच्रियाल वारु वारिकी आ दुर्गादेवी शुभ आशीस्सुलु।